वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पुरानी दिल्ली की फेमस बिरयानी रेसिपी। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चावल, जो पक्का चावल है, जिसको मैं 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूंगी। तो यहाँ पे 1 kg चावल के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, और ये टॉप्स के अचार है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, और ये बिरयानी मसाला, जिसको मैंने घर पे ही तैयार किया है। अगर आपको इस मसाले की रेसिपी जानना है तो मुझे कमेंट करें। और ये नमक, और ये 4 बड़े कटे हुए प्याज, और ये अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो चलिए हम सबसे पहले बिरयानी के लिए एक पतीला लेते हैं। मैंने एक पतीला ले लिया, अब गैस को ऑन करूंगी। मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे फॉर्चून तेल, आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 6 चम्मच फॉर्चून तेल। मैंने यहाँ पे 10 चम्मच फॉर्चून डाल दिया है। अब इसको गरम होने देंगे। देखिए यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, और इसमें हम सारे गरम मसाले जो लिए थे वो डाल देंगे। देखिए गरम मसाला हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपने एक चिकन डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चला देंगे। 4 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, ताकि अदरक लहसुन नीचे पतीले में ना चिपक जाए। इसमें ये जो हमने ब्राउन प्याज किया है, वो इसमें सारे प्याज डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अपना सारे प्याज को डाल दिया है। अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। तो देखिए ये हल्का हल्का सा चिकन में ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं। और चिकन और ये सारे मसाले को एक साथ कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे मैं इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। हम इसी तरह इसको और 5-10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि मसाला और चिकन अच्छी तरह से पक जाए। पर नमक हमने अभी तक नहीं डाला, क्योंकि नमक हमने इसलिए नहीं डाला अभी क्योंकि चिकन पानी छोड़ता है। तो नमक डालते ही वो पानी छोड़ देगा और सारा चिकन हमारा टूट जाएगा। तो इसलिए हम नमक थोड़ी देर में डालेंगे, थोड़ा हल्का और पक जाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, ये 1 चम्मच नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे फिर 5 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, तो ये हमारा चिकन हो गया है। अब इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे।
गरम मसाला जो बिरयानी मसाला है वो इसमें डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच मिर्च की अचार है। ये जो दोनों मैंने डाला है ये गैस को बंद करके ही डालते हैं। अब मैं इसको ढककर साइड में रख दूंगी। चिकन बनके हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे चावल तैयार करेंगे। चावल तैयार करने के लिए यहाँ पे क्या क्या लगेगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच नमक, 2 चम्मच सौंफ और कुछ गरम मसाले और सहजीरा और ये हरी मिर्च कटी हुई। तो मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है जिसमें मैंने 2 बड़े पतीले से पानी डाल लिया है और यहाँ पे गैस को ऑन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है और इन सब में ये सारे मसाले को मैं एक एक करके डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे गरम मसाले को डाल दिया है, हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया, ये 4 चम्मच नमक भी मैंने इसमें डाल दिया और जो मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है इसको मैं एक पोटली बना लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सौंफ की पोटली बना ली और इसको भी इसमें डाल दूंगी और इन सबको ढक दूंगी जब तक पानी गर्म ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये सारे चावल को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे जब तक बॉल ना आ जाए। देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ रहा अच्छे से। अब इसको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे हाई फ्लेम पे। देखिए यहाँ पे चावल की बबूले बहुत तेजी से उबल रहा है। इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे चावल को, उसके बाद हमारा चावल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा चावल हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पोटली को अलग कर देंगे और पानी और चावल को भी अलग अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चावल और पानी को अलग कर लिया है। अब इस चावल को मैं जो चिकन बनाया उसमें डालूंगी। मैंने ये चिकन ले लिया है और जिसमें मैंने वो मसाले और अचार डाला था इसको अच्छी तरह से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये जो चावल है मैंने अलग कर दिया है पानी से और इस चावल को इसमें चिकन में डाल दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे सारे चावल को डाल दिया है। हरी धनिया कटी हुई ऊपर से डाल दूंगी। हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। अब हम इसको 5 मिनट तक हल्की फ्लेम पर रख देंगे ताकि थोड़ा सा बिरयानी को भाप लग जाए। A few moments later. देखिए 5 मिनट हो गया है, हमारा बिरयानी बनके रेडी हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिरयानी बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।